इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके इमोशंस का खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना। इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ बना सके, बात बात पर बेवकूफ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना, वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीजें। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ। ट्रॉमा सेंटर में जाके एक घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे, हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना।